कुर्सी का निशान, खिदमत की पहचान, रुकन साज ये मरकजी मुस्लिम लीग का है ऐलान। कुर्सी का निशान, खिदमत की पहचान, रुकन साज ये मरकजी मुस्लिम लीग का है ऐलान। कलमे की बुनियाद पे सारी कौम का इत्तेहाद हमेशा, और खिदमत की सियासत का ये अहद रहेगा याद हमेशा। सब के लिए यकसा तालीमी निज़ाम का हम इकदाम करेंगे, सूद और कर्ज से पाक मईशत माली इस्तेहकाम करेंगे। मिल के माशी खुद इन्हिसारी को मुल्क में आम है करना, एक इस्लामी हकीकी फलाही रियासत का अब क्या मैं पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और इसकी बका भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। मरकजी मुस्लिम लीग का नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। हमारे आज के मौजूद शाहिद हमीद साहब में जिद्दत होगी और दावा देता हूँ कि वो आपसे खिताब फरमाए। इंसाफ की फराहमी से कानून का बोल हो बाला। आप सब भाइयों को अहलियाने रहीमिया अरमान को ये दावत देते हैं कि आप इस वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए, इसकी फलाह और बहबूद के लिए, इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने के लिए, इस्लामी रियासत बनाने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मेंबर बने। शहाद जमीनों में भरपूर ज़राअत मिशन रहेगा से। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का ये नारा नहीं है कि नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था का मतलब क्या ये था? आज तो रोटी कपड़ा मकान देने का वादा करता है, कोई आपको 300 यूनिट मुफ्त देकर कहता हम पाकिस्तान जीत गए। उन झूठे नारों पर 77 साल से अपने वोट को और खुद दिखते आ रहे हैं। 77 साल पहले ये कौम मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई थी। जब पाकिस्तान बनने की तहरीक शुरू हुई, मुख्तलिफ कबाइल है, मुख्तलिफ लोग है, हर कोई अपने इलाके में अपना अपना नारा लगा रहा था। काफरों की तजर्बा का बन है, यहूदियों की तजर्बा का बन है, नसरानियों की तजर्बा का बन है, अमरीकियों की तजर्बा का बन है, गैर मुसलमानों की तजर्बा का बन है या इस्लाम की तजर्बा का बन है। रुकन साज ये मरकजी मुस्लिम लीग का है ऐलान। उसी का निशान नजरिया पाकिस्तान की खातिर, आओ आओ बुनियादी एक पहचान की खातिर, आओ आओ अपनी नस्लों की आन की खातिर, आओ आओ।